निर्देशक बोनी कपूर और अभिनेता अनिल कपूर के छोटे भाई हैं। इस फिल्म की सफलता ने संजय को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। हालांकि इस ब्रदर एंड सिस्टर एंड मेरे चाहने वाले, आप सभी का स्वागत करते हैं इस पैरिस ब्लॉग में। तो मैं आ चुका हूँ फिर से जुहू बीच। ये जुहू बीच का नज़ारा आपको दिख रहा होगा। अभी मैं जुहू बीच आ चुका हूँ और जुहू बीच से हट के अनिल कपूर का जो भाई है संजय कपूर, उसका घर है, जो कि अभी फिल्म से दूर रहते हैं। सीरियल में भी नहीं आते, फिल्म में भी नहीं आते, तो बिजनेस में सेटल हो चुके हैं। उसी के घर के बारे में दिखाऊंगा, उसी के घर पे आ चुका हूँ, उसका घर के बारे में दिखाऊंगा, उसका घर किस लोकेशन पे, उसका घर का क्या नाम है, उसके पास अभी कौन कौन सी गाड़ी है, वो अभी क्या कर रहे हैं, उस घर का कितना नेटवर्थ है, ए टू जेड चीज का इन्फॉर्मेशन इस ब्लॉग में मिलने वाला है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस ब्लॉग में बने रहें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं ये ब्लॉग कैसा लगा। तो चलिए सीधा ले चलते हैं आपको संजय कपूर घर पे और दिखाते हैं अंदर एंड बाहर का व्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यही है संजय कपूर का आलिशान बंगला, जो व्हाइट कलर में काफी ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ये हरे भरे पेड़ लगा हुआ है आजू बाजू में, क्योंकि ये नेचर के काफ़ी करीब रहते हैं। और इनका घर काफ़ी खूबसूरत है, ये मेन रोड पे इनका घर है। और ये इन्हीं घर के आजू बाजू में बहुत सारे सेलिब्रिटी का भी घर है, जैसे श्रद्धा कपूर हो गया, शिल्पा शेट्टी हो गया, सनी विल्ला हाउस है, जैसे ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, गोविंदा, बहुत सारे का घर इसी आजू बाजू में, उसी वहीं पर इनका भी घर स्थित है, जो कि बहुत ही काफ़ी आलिशान बंगला है। ये पूरे बंगला का खुद मालिक है, मलिकाना हक इसके पास है। और इस बंगला का जो नाम है ना, इसके नाम पे ही इस बंगला का भी नाम है, संजय हाउस। दोनों गेट पे संजय हाउस लिखा हुआ, फर्स्ट गेट पे भी और सेकंड गेट पे ही संजय हाउस आपको दिखाई देगा। देख रहे हैं ना, आपको सामने दिखाई दे रहा है। इस घर के इंटीरियर डिजाइन बहुत ही खूबसूरत है, मैं आपको इस वीडियो में नहीं दिखा सकता, बट मैंने देखा, नेट पर सर्च किया तो काफ़ी ही आलिशान बंगला है। अंदर से दिखने में व्यू काफ़ी शानदार दिख रहा है। उसी में संजय कपूर खुद और अपने बीवी बाल बच्चा के साथ रहते हैं। तो चलिए इसके लाइफ स्टोरी के बारे में जानते हैं, इसके बायोग्राफी के बारे में जानते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके लाइफ के बारे में, इसका नेटवर्थ कितना है, इसका पर मूवी चार्ज कितना लेते हैं, ये कहाँ पे इसका बंगला स्थित है, इस बंगला का नाम क्या है, नाम तो इसे आपको बता ही दिया, और इसका टोटल नेटवर्थ कितना है, इसका कार कलेक्शन क्या है। तो ए टू जेड इन्फॉर्मेशन इस ब्लॉग में आपको देने वाला हूँ। इस ब्लॉग पे आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे। और एक बात, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट कर जरूर बताएं ये ब्लॉग कैसा लगता है। तो ऐसे ही हम आपके लिए कंटेंट बनाते रहते हैं, इसके लिए सब्सक्राइब तो एक बनता है भाई। तो चलिए बताते हैं इसके बायोग्राफी के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। संजय कपूर एक भारतीय अभिनेता और निर्माता हैं। वो निर्देशक बोनी कपूर और अभिनेता अनिल कपूर के छोटे भाई हैं। संजय कपूर का जन्म 17 सितंबर 1965 के हिसाब से वो 58 ईयर ओल्ड है, और उनका जन्म मुंबई के चेंबूर में हुआ था। उनके पिता का नाम सुरेंद्र कपूर था, जो एक फिल्म निर्माता थे। उनकी माँ का नाम निर्मला कपूर था। वो निर्देशक बोनी कपूर और अभिनेता अनिल कपूर के छोटे भाई हैं। संजय सोनम कपूर, रिया कपूर और अर्जुन कपूर के अंकल है। संजय कपूर की शादी की बात करें तो संजय कपूर की शादी NRI महेश संधू से हुआ है। उनके दो बच्चे हैं, शहाना कपूर और जहाना कपूर। संजय कपूर की फिल्म करियर की बात करें तो संजय कपूर ने अपने फिल्म करियर की शुरुआत साल 1995 में फिल्म प्रेम से तब्बू के अपोजिट में किया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा बिजनेस किया था। उनके बाद वो बॉलीवुड डीवा माधुरी दीक्षित के साथ फिल्म राजा में नजर आए थे। इस फिल्म की सफलता ने संजय को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। हालांकि इस फिल्म के बाद संजय एक हिट फिल्म के लिए तरस गए थे। उन्हें हिंदी सिनेमा में बतौर कलाकार वो सफलता नहीं मिला जो उनके बड़े भाई अनिल कपूर को मिली है। फिल्म कोई मेरे दिल से पूछे में संजय नेगेटिव किरदार में नजर आए थे। उनकी फिल्म में इस फिल्म में उन्होंने एक साइकोपति का किरदार निभाया था, जो दर्शकों और आलोचकों को बेहद पसंद आया। इसके बाद उन्होंने अजय देवगन स्टार्टर फिल्म कयामत में एक आतंकवादी का भूमिका निभाया था, जिसे आलोचकों द्वारा सहारा गया। उन्होंने बतौर निर्माता 3 फिल्म का निर्माण किया, जिसमें से उनकी हालिया रिलीज फिल्म तेवर शामिल है। फिल्म में तेवर में भतीजा अर्जुन कपूर और सोनाक्षी सिन्हा नजर आए थे।
हालांकि फिल्म कुछ खास चली नहीं, लेकिन आलोचकों ने फिल्म को सहारा गया। संजय कपूर की कार कलेक्शन की बात करें तो संजय कपूर के पास वेनल्टी और BMW, ऑडी, मर्सिडीज जैसे कार शामिल है। संजय कपूर की कुल संपत्ति की बात करें तो संजय कपूर की संपत्ति 70 से 75 लाख रुपए बताया जा रहा है। संजय कपूर के हाउस की बात करें तो संजय कपूर के हाउस मुंबई में कई इलाका में है, बट वो जुहू में ही वो अपने बंगलों में रहते हैं पूरे फैमिली के साथ। और वो फिल्म में ज़्यादा नहीं चले, इसके लिए वो वेब सीरीज और सीरियल में काम करते हैं और वो ज़्यादातर वेब सीरीज में ही नज़र आते हैं। आज का यही ब्लॉग था। ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट कर जरूर बताना। तो फिर मिलते हैं किसी अनदर ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।